ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की व्यस्तता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। जब गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसकी बदौलत उन्हें इतने लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे, उनसे उम्मीद करते कि पंडित जी का ज्ञान यानी कि गीता ज्ञान उनकी परेशानियों में रास्ता दिखा सकता है। पंडित जी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग गीता की तरफ लौट रहे थे और उनके पाठकों में हर उम्र के लोग थे, इस बात की भी उन्हें बहुत खुशी थी। इधर जब पंडित जी अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को अपना सीखा हुआ समझा हुआ ज्ञान बांट रहे थे तब उनके अपने घर में उनकी पत्नी सरला जी एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी जिस पर अगर पंडित जी ने ध्यान दे दिया होता तो वे सरला जी की मदद कर सकते थे। लेकिन कई बार हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर के लोगों की परेशानियों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। सरला जी एक बहुत सीधी साधी महिला थी। उनका सारा जीवन परिवार की देखभाल करते बीता था। पति और बच्चों रिश्ते नातों का ख्याल रखने में उन्होंने कभी ना अपने बारे में सोचा ना अपना ख्याल रखा। अब जब सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बच्चे अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में एक बार भी अपनी माँ से बात करने का समय नहीं निकाल पाते थे। पति अपनी अलग दुनिया में व्यस्त थे जहां उनके दोस्त थे, इंटरनेट ब्लॉग था, लोग थे और उनकी समस्याएं थी। नहीं थी तो बस सरला जी से इत्मीनान से बात करने की फुर्सत। इंसान का मन भी बड़ी अजीब चीज होती है। कभी तो बड़ी बड़ी बातों से परेशान नहीं होता और कभी जरा सी बात पर टूटकर बिखर जाता है। सरला जी के मन को भी एक ऐसी ही बात ने जकड़ कर रखा है। वो चाहती हैं कि सारी दुनिया की परेशानियों का हल बताने वाले पंडित जी उनके भी दुख का हल बताएं, लेकिन उनसे खुलकर कुछ कहती भी नहीं। इस सब में सरला जी के शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जब मन में हर वक्त तनाव रहने लगे तब इसका खामियाजा शरीर ही भुगतता है। उनकी भूख मर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद उड़ गई। पंडित जी ने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए, पर सब कुछ ठीक ही आया था। अब डॉक्टर ने पंडित जी से कहा, लगता है कोई मानसिक तनाव है जो शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं। आप या तो खुद बात कीजिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को इन्हें दिखाइए। पंडित जी बहुत हैरान थे। जीवन में प्रभु कृपा से सब ठीक ही चल रहा था। ऐसी कोई बात तो उनकी जानकारी में नहीं थी जो सरला जी को इस हद तक परेशान करती कि वे बीमार रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि घर जाकर पहले खुद ही सरला जी से बात करेंगे। क्या सच में कोई तनाव है जो इस हद तक बढ़ गया है और उन्हें खबर तक न लगी। घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सरला जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और बड़े स्नेह से पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख है सरला? किसी की कोई बात जो तुम्हारे दिल को लगी है? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लगा या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों में अपने प्रति झलकती चिंता को देखकर सरला जी के मन का बांध जैसे टूट गया। उनकी आंखों में जो आंसू निकलने शुरू हुए तो लगा आज पूरे घर को डुबो कर ही रुकेंगे। पंडित जी ने सरला जी को रोका नहीं, रोने दिया। लेकिन मन ही मन उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि सारी जिंदगी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक तक नहीं है। खूब रोकर जब सरला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है। तब बड़े संकोच के साथ सरला जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। न मैंने ऐसा कुछ किया कि इंसान मुझे याद रखें और न ही कुछ ऐसा कि भगवान मुझसे प्रेम करें। न कोई पूजा पाठ, न दान धर्म, न किसी की मदद, न कोई भलाई ही की। मनुष्य जन्म लेकर भी बेकार ही जाने दिया इसे। मुझे लगता है मुझ जैसा बेकार जीवन किसी ने नहीं जिया। मेरी प्यारी सरला, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी उम्र थी तुम्हारी।
लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया था। अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। ये तुम्हारी बदौलत है सरला कि आज मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब तुम्हारी मौन साधना का फल है। लोगों को गीता का ज्ञान मैं देता हूं, लेकिन सही मायने में गीता ज्ञान को तुमने जिया है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा धैर्य नहीं डिगा। सुख में तुम इतना ही नहीं, और यही तो गीता सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में आकर उसी का जीवन सफल हुआ जिसने खूब सारा धन कमाया या खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय हैं। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है, जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर किसी ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाने वाला काम कर दिया या कोई बात कह दी, लेकिन आपने इसका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए, तो आप मुझे यानी भगवान को प्रिय लगोगे। सुख दुख, भय और चिंता में जो एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, न सुख में उछले न दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सरला, अब बताओ, क्या इसमें कहीं ये बात है जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो? तुमने तो हमेशा गीता में भगवान की कही इन कंडीशंस का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन तो हम सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की ही तरह सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थी। उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर पंडित जी से इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही कि जो उनके अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगिनी है, वो उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना का दंश लेकर जीती रही। उनसे गलती तो हुई है, और उसके सुधार के लिए भी उन्हें गीता से ही सहायता मिलेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन से इस बोझ को उतार कर इस भूल के सुधार की राह बताएगा। ये सोचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाएं। पंडित जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यादों और अनुभवों के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते हैं। गुजरे हुए अनगिनत वसंत और पतझड़ नजर आते हैं। अपनी गलतियां समझ आती हैं तो बहुत सारे पलों की मीठी यादें गुदगुदाती भी हैं। अब पंडित जी सोचते हैं कि अगर वक्त रहते जिंदगी की समझ और जीने का सलीका आ गया होता तो शायद और बेहतर तरीके से जी लेते, लेकिन जो बीत गया उसका क्या कर सकते हैं। अब तो जो और जितना बचा है उसी को संभाल के सही से रख लें तो सुकून से आंखें बंद कर पाएंगे। इधर उनके ब्लॉग के जरिए कई तरह के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कई दूसरे ब्लॉगर्स भी संपर्क में आने लगे हैं जो बिल्कुल अलग विषयों पर लिखते हैं।
पंडित जी को नए नए लोगों से ये जुड़ाव और उनके जरिए मिलने वाली जानकारियां काफी भा रही हैं। उनके मित्र ब्लॉगर्स ने एक योजना बनाई कि क्यों ना सभी लोग वास्तविक दुनिया में भी मिले, एक दूसरे से परिचित हों, क्योंकि अभी तक वे सिर्फ एक दूसरे को इंटरनेट से ही जानते थे। लगभग सभी को ये विचार बहुत पसंद आया। तय हुआ कि एक खास दिन पर एक शहर तय करके सब वहां पहुंचेंगे और एक मिलन समारोह किया जाएगा। पंडित जी भी इस कार्यक्रम में पत्नी के साथ शिरकत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके शहर से एक युवा ब्लॉगर भी थे जिन्हें इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था और वे पंडित जी के साथ ही ट्रेन से इस कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। जब पंडित जी इस महाशय से रेलवे स्टेशन पर मिले तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से पंडित जी का अभिवादन किया। इस युवक का नाम रोहित था। पंडित जी और उनकी पत्नी को भी इस जोशीले लेकिन सभ्य युवा से मिलकर खुशी हुई। ट्रेन में बैठते ही जो रोहित की बातें शुरू हुई तो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ही खत्म हुई। इन बातों में उसकी अब तक की जीवन कथा से लेकर उसकी अब तक की तमाम उपलब्धियों की दास्तान भी थी। रोहित ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। रोहित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां बहुत तंगी तो नहीं थी लेकिन हर खर्च बहुत सोच समझ कर होता था। बकौल रोहित, वो पढ़ाई में बहुत तेज था और छोटी उम्र से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा था। उसका कहना था कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च एक उम्र के बाद खुद ही उठाया था। फिर उसने स्कूल से निकलकर पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकती है, जिंदगी जीने का हुनर नहीं सिखाती। इसीलिए उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू किया और दुनिया में जीने के तौर तरीके सीखने लगा। रोहित ने बताया कि उसने कम वक्त में ही खूब पैसे कमा लिए थे और उसके घर में उसकी वजह से वो खुशहाली आ गई जिसके सपने वो लोग हमेशा देखते आ रहे थे। फिर रोहित ने बताया कि उसने नए हुनर सीखे, दो विदेशी भाषाएं सीखी और भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसने जब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो यहां भी अपनी पहचान बहुत जल्द बना ली। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि इस कार्यक्रम में भी वो सबसे कम उम्र है। रोहित की बातों में बस अपना ही जिक्र था। पूरे रास्ते ना तो उसने पंडित जी से उनके बारे में पूछा ना उनके काम के बारे में। मिलन समारोह बहुत अच्छा आयोजित किया गया था। देश के लगभग हर हिस्से से ब्लॉगर्स आए थे। एक दूसरे से जान पहचान बनाने में ही पहला दिन निकल गया था। अगले दिन सबको अपनी रुचि के विषय पर थोड़ा थोड़ा बोलने का समय दिया गया था ताकि लोग और अच्छे से एक दूसरे को समझ सके। रहने व खाने की व्यवस्था एक होटल में सबके आपसी सहयोग से की गई थी। अगले दिन पंडित जी नाश्ता करने के बाद होटल के लॉन में टहल रहे थे कि तभी वहां रोहित आ गया। वो हमेशा की तरह बहुत जोश में था। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या वे आज भी गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे जैसे अपने ब्लॉग में लिखते हैं। उसके सवाल में जैसे एक कटाक्ष था। फिर उसने अपने ब्लॉग के विषय में बताना शुरू किया। यूं तो उसके हिसाब से उसकी बेशुमार रुचियां थी लेकिन आजकल वो विलुप्त होते पक्षियों की जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा था। उसके ख्याल में इस दौर में अब लोगों को आध्यात्मिकता की जगह व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत थी। पंडित जी ये सब सुनकर बस मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि रोहित को अपनी नासमझी की वजह से अहंकार हो गया है। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना सबका अधिकार है लेकिन अपने आगे बाकी लोगों को तुच्छ समझना या उन्हें कमतर होने का एहसास करवाना अहंकार कहलाता है, जो कि मनुष्य जाति के सबसे बुरे गुणों में से एक है। इसीलिए पंडित जी को लगा कि रोहित को इसका एहसास करवाया जाना जरूरी है ताकि वो समय रहते इस अवगुण के जाल से बाहर निकल सके और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सके। कार्यक्रम शुरू हुआ और हर वक्ता के पास बोलने को कुछ बेहतरीन था। किसी के पास गांव देहात के किस्से तो किसी के पास किताबों की दुनिया की जानकारी, कोई कानून का ज्ञाता तो कोई कवि, किसी के पास दुनिया घूमने के अनूठे अनुभव तो किसी के पास इतिहास की गहरी जानकारी। हर कोई अलग अलग संघर्षों से तप कर बना हुआ जिसे वो बयां नहीं कर सकते थे लेकिन सब जानते थे कि बिना जीवन के उतार चढ़ाव देखे लोग इतने अनुभव नहीं समेट सकते। इसी तरह पंडित जी की भी बारी आ गई। जीवन में कम ही मौके आए थे जब पंडित जी ने किसी मंच से लोगों को संबोधित किया था। दोस्तों की महफिलों में बात करना या ब्लॉग लिखना एक अलग बात थी
यहां एक अलग ही संकोच उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने साहस करके बोलना शुरू किया। संबोधन के बाद जो उन्होंने कहा वो इस तरह से था, आप सबके अनुभवों और जानकारियों को सुनते हुए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूं कि आज यहां आपके बीच बैठा हूं। मेरे पास बताने को कोई किस्सा नहीं कि आप लोग हैरान हो, न कोई जानकारी कि आपको चकित कर सकूं। मैंने अभी तक एक बहुत साधारण सी जिंदगी जी है, जिसमें दाल रोटी की फिक्र और जिंदा रहने की जद्दोजहद है। रुचि के नाम पर बस एक ही है कि पढ़ने का शौक रहा, जो उम्र के साथ धार्मिक किताबों की तरफ ज्यादा हो गया। जो थोड़ा बहुत सुना, पढ़ा और समझा वो सबके साथ बांट लिया। ये तो आप जैसे लोगों का बड़प्पन है कि मेरे अधकचरे ज्ञान को भी सम्मान दिया और अपने बीच उठने और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। अब क्योंकि सभा का नियम है कि अपनी रुचि के विषय से कुछ सुनाना जरूरी है कि संसार के सभी कर्म प्रकृति द्वारा पहले से तय हैं, कौन क्या करेगा कैसे करेगा ये प्रारब्ध में बहुत पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में जब आत्मा को लगता है कि ये सब उसके द्वारा हो रहा है, तब वो अहंकार से ग्रस्त हो जाती है, जबकि ये अज्ञानता की निशानी है। हम जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं, इसके प्रति सजग होने और अहंकारी होने में बहुत फर्क है। अपने कर्म के प्रति सजग होना हमें सफलता और शांति देता है, लेकिन उसके प्रति अभिमान या अहंकारी होना हमें दुख देता है, अपमानित भी करवाता है। ये जीवन का ऐसा सच है जो यदि हम समय रहते समझ लें तो कई दुखों से बच सकते हैं। प्रकृति से हम इसके अनेक उदाहरण सीख सकते हैं। जितना ज्यादा फलों से भरा पेड़ होगा, उसकी टहनियां उतनी ही झुकी होंगी। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, यह हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। शायद रोहित को भी उसके अहंकार का एहसास हो गया, यह हो सकता है ना भी हुआ हो। इस तरह बहुत सारे अनुभवों और ज्ञान के साथ ये मिलन समारोह समाप्त हुआ। वापसी में रोहित एक बार फिर पंडित जी के साथ ही था, लेकिन इस बार वो उनसे गीता ज्ञान समझाने का आग्रह कर रहा था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता को प्रणाम किया और सबकी बुद्धि प्रकाशित करने की प्रार्थना भी की।